कोई बात नहीं है, हम लोग पिछले 20 वर्षों में दर्जनों बार लाठी खाए हैं, होटवार जेल गए हैं, सैकड़ों पारा शिक्षक जो अपने जान की आहुति दिए हैं, शहादत पाई है, उससे घबराने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। जो हम लोग को एक सप्ताह 10 दिन के अंदर मानदेय का भुगतान अविलंब विभाग नहीं करता है तो 21 तारीख को हम लोग राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। सरकार जानबूझ के हम लोग को उकसाती है, यदि सरकार समझौता के अनुरूप हम लोग के जो है मांगे पूरी कर दी होती तो आज हम लोग के यहाँ पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी की बैठक आज मोरहाबादी मैदान में हुआ, जिसमें राज्य कमेटी जिला कमेटी के सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में संघ के सशक्तिकरण एवं आगे की रणनीति पर विचार किया गया। आज एकीकृत सहायक अध्यापक संघ का बैठक मोरहाबादी में रखा गया है। चूँकि राज्य सरकार ने जो समझौता किया उस समझौता को अक्षरशः लागू नहीं किया, उसके विरोध में साथ ही राज्य के समस्त पारा शिक्षकों को राज्य सरकार शोषण कर रही है, विभाग के द्वारा शोषण हो रहा है। सर्टिफिकेट जांच के नाम पर 2 महीने से मानदेय हम लोग का लंबित है। आज निर्णय यही हुआ है जो हम लोग को एक सप्ताह 10 दिन के अंदर मानदेय का भुगतान अविलंब विभाग नहीं करता है तो 21 तारीख को हम लोग राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। ब्यूरोक्रेसी चरम पर है, 60,000 पारा शिक्षकों को पिछले 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। गलती विभाग की है, खामियाजा पारा शिक्षक संपत्ति सहायक अध्यापक भुगत रहे हैं। सर्टिफिकेट जांच के नाम पर सहायक अध्यापकों का 60,000 सहायक अध्यापकों का मानदेय रोका गया है, जबकि पिछले 10-12 वर्षों में पारा शिक्षकों ने 3 बार 4 बार पैसा भी दिया सर्टिफिकेट की छाया प्रति भी दी सरकार को कि आप मेरा सर्टिफिकेट जांच कराओ। विभाग के अधिकारी अक्षम हैं, विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए, विभाग को, मंत्री जी को, उनके खिलाफ आदेश जारी करना चाहिए। उल्टे पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जा रहे हैं उनका मानदेय रोका गया है। पाठक जी ने बताया एक सप्ताह में मानदेय भुगतान नहीं हुआ और नियमावली के कुछ अंश पर जिन पर हम लोगों की आपत्ति रही है, जिस पर कि माननीय मंत्री और विभागीय सचिव का हस्ताक्षर युक्त समझौता पत्र भी है कि हम इस पर बैठक करेंगे, वेतनमान वेतनमान के समतुल्य मानदेय एवं अनुकंपा के प्रावधानों को शिथिल करने का मामला है, पारा शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने का मामला है, पारा शिक्षकों के सेवा पुस्तिका शुरू करने का और जुलाई से 4% इंक्रीमेंट देने का, इन तमाम तरह की बातों पर अगर विभाग बैठक आहूत नहीं करती है, माननीय मंत्री जी बैठक आहूत नहीं करते हैं तो सहायक अध्यापकों का गुस्सा इस सरकार को, हेमंत सरकार को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर इधर हम लोग अभी JEPC पर प्रदर्शन करेंगे 21 सितंबर को, दिन बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यालय पर प्रदर्शन होगा, इसके बाद भी क्रमशः आंदोलन होंगे अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ, और नहीं तो फिर 15 नवंबर फिर से दोहराया जाएगा। कोई बात नहीं है, हम लोग पिछले 20 वर्षों में दर्जनों बार लाठी खाए हैं, होटवार जेल गए हैं, सैकड़ों पारा शिक्षक जो अपने जान की आहुति दिए हैं, शहादत पाई है, उससे घबराने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। हम लोग खांटी झारखंडी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं और हम लोग संघर्ष पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। चिंटू सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। हम लोग के एकीकृत प्रशिक्षक संघर्ष मोर्चा के यहाँ पर बैठक हुई। सरकार जो हम लोग के साथ 14 दिसंबर के वार्ता की थी, उस वार्ता में जो समझौता थे सभी बिंदु को लागू नहीं की है और उल्टे सरकार अभी जो है से राज्य के सभी पारा शिक्षकों का मानदेय रोक दी है या सर्टिफिकेट जांच के नाम पर, जबकि हम लोग आज से पहले कम से कम 4 बार जांच के लिए पैसा दे चुके हैं, अभी तक सरकार जैसे जांच नहीं करा पाई, उल्टी हम लोग पर थोप रही है कि आपका जांच नहीं हुआ इसलिए मानदेय बंद कर दिए हैं, जबकि यह सरकार के पदाधिकारी की गलती है। वेतन बंद मानदेय बंद सरकार के पदाधिकारी के होना चाहिए, तो सरकार हम लोग करे उसी के खिलाफ में आज हम लोग बैठक किए हैं और आज निर्णय लिए हैं अगर एक सप्ताह के अंदर सरकार अगर बंद रिलीज नहीं करती है तो हम लोग 21 तारीख को JEPC का घेराव करेंगे और तमाम जो मुद्दा है सरकार के समझौता उसको लागू कराने के लिए हम लोग आज बैठे, पूरे राज्य के 19 जिला का सदस्य इसमें जमा हुए थे आज और बाकी जो हमारे 5 जिला का सदस्य यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, हम लोग प्रयास करेंगे सबको जोड़ करके एक बृहत झारखंड राज्य में पारा शिक्षकों द्वारा आंदोलन होगा और सरकार जो समझौता की है यदि उसके पहले लागू कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बिना आंदोलन के जो है कुछ करने जा रही है। सरकार जानबूझ के हम लोग को उकसाती है, यदि सरकार समझौता के अनुरूप हम लोग के जो है मांगे पूरी कर दी होती तो आज हम लोग के यहाँ पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती या हम लोग जो धरना प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं उसको नहीं करना पड़ता। दर्शक ठाकुर, एकीकृत संघर्ष मोर्चा राज्य सदस्य।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।